तो ये हमारा एपी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द 101। ये 101 ठीक है, 101 टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन है ठीक है, एपी गिवन है। और जब आपको ऐसे फाइंड करने के लिए बोले तो आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं से ये एपी है कि नहीं है, इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें प्रूफ नहीं करना है आपको से ये एपी है कि नहीं, वो नहीं देखना है आपको। फाइंड द 101 टर्म, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए फाइंड द टर्म ओ फाइंड द लास्ट टर्म, तो आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये क्या है, ए एन यानी जो होता है लास्ट टर्म होता है, ए यानी जो फर्स्ट टर्म होता है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है, और यानी कौन सा नंबर का टर्म्स है, और डी यानी उसके कॉमन डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, 101 टर्म, तो एन कितना हो जाएगा इसका, जो एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। फिर क्या होता है इसका ए है, ए पी क्या गिवन है, 5, 11 और 17। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको, यानी जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको हम ए बोलते हैं। तो ए क्या है हमारा, 5 है, और डी कितना होगा, डी कितना होगा, ए टू माइनस ए वन, यानी ए टू माइनस ए वन, तो ये कितना होगा, 11 माइनस 5, तो कितना होगा, 11 माइनस 5 6। तो हमारे को सब कुछ मिल गया, एन इक्वल टू यानी जो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था वो 101, ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू 6। तो इसमें हम फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा एन ए 101, एन की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 101 ठीक है। ए कितना है, 5 है, प्लस एन कितना गिवन है, 101 माइनस 1, और डी कितना गिवन है, 6 है ठीक है। कितना हो गया, 5 प्लस 101 माइनस 1 100 इंटू 6, तो इक्वल टू 5 प्लस 600, 100 इंटू 6 कितना होगा, 600, तो इक्वल टू 605। तो ये जो था हमारा 605 हो गया, तो ये हमारा जो 101 टर्म था वो 605 हो गया। तो ये क्वेश्चन थर्ड जो था वो कंप्लीट हो गया।